हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोविन। माय नेम इज रितिका राजपूत। आज की इस वीडियो में हम अपनी सीरीज जो गेट एक्सेल के लेके चल रही है 10 डेज 20 प्रैक्टिस सेशंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप उसे भी देखें, क्योंकि हर वीडियो में आपके क्वेश्चन जो है वो अलग अलग होंगे और सारे ही क्वेश्चन जो है आपके या तो गेट के PYQ हुए आए हुए हैं ऑलरेडी, या फिर आपको क्या है मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। ठीक है, तो सारे ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस सीरीज में ले रही हूँ, जिससे आपको एग्जाम जो है वो अच्छे से निकल जाए और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे एक और सीरीज चल रही है जो अपकमिंग CSI नेट एग्जाम के लिए है। इसमें आपको पार्ट बी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी CSI नेट JRF 2022 की, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें सारे वीडियोस इस सीरीज के आपके लगभग 5-6 वीडियोस जा चुके हैं, तो आप सारे के सारे उसको देख सकते हैं और अपने पार्ट बी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को, अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि क्या हो आपको जितनी भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें, जितने भी वीडियो आ रहे हैं इस सीरीज के वो आपको ईजिली मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द हाई एनर्जी कंपाउंड्स इज एंड आर। देखिए यहाँ पे इज एंड आर लिखा है, तो इसका मतलब ही क्या है, ये आपका कौन से तरीके का है। आपको पता है गेट में क्या आते हैं, MSQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। MSQ टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन। मतलब इसमें क्या होता है, ऑप्शन आपके कई एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक हो सकता है या दो हो सकता है, एक भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर मल्टीपल है तो एक नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने इज भी लिखा है आर भी लिखा है। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है या चार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें से लगाना होता है। लेकिन सबसे अच्छी खासियत इन बात इन क्वेश्चंस की क्या होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको इनको अटेम्प्ट जरूर करके आना है, छोड़ के नहीं आना। तो यहाँ पे पूछा हाई एनर्जी कंपाउंड्स क्या होता है, तो आपको पता होगा ये वाला जो आपका टॉपिक है ये आपका CSI नेट में भी पूछते हैं कि हाई एनर्जी कंपाउंड्स क्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक चार्ट प्रोवाइड कर रखा है, आप इस चार्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं और इसको साथ में लर्न भी कर सकते हैं। क्या है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट फर्स्ट हमारा कंपाउंड है, 1,3-bisphosphoglycerate, क्रिएटिन फॉस्फेट, एसिटिल फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइल ट्राइफॉस्फेट विद एक्सेस Mg+2, यानी Mg+ ion के साथ क्या है, एक्सेस में अगर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है तो वो भी क्या होगा, हाई एनर्जी कंपाउंड होगा। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ADP भी, पाइरोफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यूरिडीन डाइफॉस्फोग्लूकोज, एसिटाइल कोएंजाइम ए, एडिनोसाइन मेथियोनिन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और एडिनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट यानी कि AMP। ये सारे क्या है आपके हाई एनर्जी कंपाउंड्स है। ठीक है, ये बहुत ही आपके जो स्टैंडर्ड बुक है लेंजर, उसका डायग्राम है। ठीक है, आप इस बुक को, बुक में आपने देखा होगा, इस चीज को आप क्या करें, लर्न भी कर लें। चलिए देखते हैं हमारे कहां कौन कौन से कंपाउंड जो है ग्रुप उसमें मिल रहे हैं। तो पहला क्या है, फॉस्फोइनॉल हाई एनर्जी कंपाउंड्स पूछे हैं हमसे, तो ये आपको कहां मिल रहा है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट या हाई एनर्जी कंपाउंड है। नेक्स्ट है आपका आपको सीरीज ये मत सोचिएगा कि हाई इनमें सीरीज में आपको कोई नहीं दिख रहा, तो आप विटामिन के को लगा दें। बेटा यहाँ पर पूछा है कौन से हैं, तो यानी कि फर्स्ट भी है, सेकंड भी है एंड थर्ड भी है, तो ए बी एंड सी ऑल आर अवर राइट आंसर्स। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। इस टेबल को आपको याद करना है, लेकिन क्योंकि अभी तो तीन चीज सॉरी बहुत जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेक्नोलॉजी से है। ठीक है, ये आपका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग हाइब्रिडोमा सेल्स आर जनरेटेड बाय द फ्यूजन ऑफ। इन्होंने पूछा है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, जब हम हाइब्रिडोमा क्यों परफॉर्म करते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिससे क्वेश्चन बार बार रिपीट करके घुमा घुमा के पूछे जाते हैं। जो है तो वो छोटी सी एक मेथड आपका, लेकिन उससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि क्या होती है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है वो परफॉर्म क्यों की जाती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, या कौन सी टेक्नोलॉजी जो आपकी हाइब्रिडोमा है वो किस लिए यूज होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए उसे यूज किया जाता है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म आपका होता है वो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म, वो क्या होता है, माउस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंजेक्ट किया जाता है एंटीजन,
और इससे क्या निकाला जाता है, प्लाज्मा सेल्स निकाले जाते हैं। प्लाज्मा सेल्स में आपकी क्या होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, निकाली जाती हैं और ट्यूमर सेल से फ्यूज कराई जाती है। ट्यूमर सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा डिवीजन करते हैं, ठीक है, इमॉर्टल नेचर शो करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, फ्यूज कराई जाती है, जिससे क्या बनता है, हाइब्रिडोमा सेल बनता है। अभी पूछ सकते हैं हाइब्रिडोमा सेल जो है वो किसका किसके फ्यूजन से बनता है, तो आपको पता होना चाहिए प्लाज्मा सेल और ट्यूमर सेल उन दोनों की प्रॉपर्टी से, क्योंकि इन दोनों को ही क्यों लिया गया, आपसे ये भी पूछ सकते हो। तो एंटीबॉडी को इसलिए लिया जाता है क्योंकि एंटीबॉडी के अंदर क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है, डिफेंस आप समझ सकते हो कि बाहर से जितने भी आपके पैथोजेंस आते हैं उनसे लड़ने के लिए ये आपको एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं, तो ये क्या है, इसलिए लिया जाता है। और ट्यूमर सेल क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये डिवाइड बहुत तेजी से होते हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिडोमा सेल्स को लिया जाता है। और इससे क्या किया जाता है, तरह तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मतलब मोनोक्लोन मतलब सेम टाइप की एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, टी सेल विद माइलोमा सेल, बी सेल विद माइलोमा सेल, मैक्रोफेज विद माइलोमा सेल एंड टी सेल एंड बी सेल। तो इसमें आप कंफ्यूज हो गए क्योंकि वहां पे तो प्लाज्मा सेल एंड ट्यूमर सेल दिया हुआ है आपको, तो आपको पता है माइलोमा सेल भी क्या सेल होता है, ट्यूमर सेल होता है, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, इसका भी काम क्या होता है, डिफरेंशिएट करना, काफी ज्यादा डिवीजन की प्रॉपर्टी शो करता है। इसके अलावा जो आपकी जो प्लाज्मा सेल्स है, जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बी सेल्स होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आपको इसकी जगह प्लाज्मा भी लिख के दे सकते हैं, सीरम भी दे सकते हैं, ठीक है, माइलोमा की जगह आपको ट्यूमर भी दे सकते हैं। तो आपको हर तरीके से आंसर यहाँ पे, बस आपका आंसर क्या किया है, घुमाया गया। अगर आपको ये नॉलेज नहीं हो कि प्लाज्मा सेल्स या बी सेल्स प्रोड्यूसिंग करती है एंटीबॉडी को, या माइलोमा ही बोलते हैं ट्यूमर को, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जबकि आपको पता भी होगा कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है। फिर भी तो आपको हर तरीके से चीज़ों को पता होना चाहिए कि दूसरे को किस किस नाम से पता है, बुलाया जाता है या डिनोट किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही बेसिक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन एटीपी, एटीपी में कौन सा बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होता है। तो पहले एटीपी का स्ट्रक्चर देख लें, एटीपी का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है, क्योंकि क्या है, इसमें बेस आपका प्रेजेंट है एडिनिन, शुगर प्रेजेंट है आपकी, और ये आपके फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तीनों चीज जिसमें होती है, बेस प्लस शुगर प्लस क्या, फॉस्फेट ग्रुप, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। अब आप मुझे बताएंगे न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, ये आप कमेंट में मुझे बताइए कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। अगर इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इस वाले पोर्शन को, तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो हम देख कहाँ थे, हम लोग एटीपी के स्ट्रक्चर पे। तो एटीपी पे ये शुगर से बाइंड होता है, इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका ये शुगर अटैच होती है फॉस्फेट ग्रुप से, तो इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ओके। एंड जब ये तीन फॉस्फेट ग्रुप आपस में ज्वाइन होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्रेट लिंकेज, ठीक है। तो आपके कौन कौन से लिंकेज हो गए, फर्स्ट हो गया फॉस्फो एनहाइड्रेट लिंकेज, सेकेंड हो गया आपका फॉस्फो ईस्टर लिंकेज, एंड थर्ड हो गया आपका एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, क्लियर हो गया आपका एटीपी में। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, आपसे इंटरव्यू तक में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे ऑप्शन में देख लेते हैं, तो हमें कौन कौन से बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, हमें फॉस्फोडाइस्टर भी देखने को मिल रहा है, हमें फॉस्फो एनहाइड्रेट भी देखने को मिल रहा है, और एन ग्लाइकोसिडिक भी देखने को मिल रहा है। अल्फा ग्लाइकोसिडिक हमें देखने को नहीं मिलता एटीपी के बॉन्ड्स के बीच में। तो एटीपी के प्रोडक्शन में जो बॉन्ड्स यूज होते हैं उनमें पूछा गया नॉट, तो नॉट आपका कौन सा हो जाएगा, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो नेट टाइप है, न्यूमेरिकली एबिलिटी टेस्ट। नेट टाइप के क्वेश्चंस पे भी क्या होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस क्वेश्चंस को भी आप जरूर अटेम्प्ट करके आइए। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंसीडरिंग द थ्री पीकेज ऑफ हिस्टिडीन, पीके ए वन दे रखा है, पीके टू एंड पीके आर, आर मतलब रिजल्टेंट, और इसमें पूछा गया इट्स आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट यानी पी आई विल बी। अब इनमें पूछा गया राउंडेड ऑफ टू वन डेसिमल, आपको डेसिमल के बाद एक प्लेस तक निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन में ये भी एक अच्छी बात होती है, जो इनकी आंसर की आती है उसमें आपके डेसिमल के बाद अगर कुछ भी एक या दो नंबर का इधर उधर भी है, तो भी ये आपको मानते हैं, आपसे एक नंबर पहले और एक नंबर बाद तक ये आपका वेरी करते हैं और उसको सही मानते हैं, तो ये आपकी अच्छी बात है।
इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको कभी नहीं छोड़ना है। तो हमें पता है पीआई निकालने के लिए हमारे पास सबसे इजी फॉर्मूला होता है कि जो भी पी के आर जो रिजल्टेंट के पास वैल्यू होती है हाईएस्ट वैल्यू उसको आप लेते हैं। तो यहाँ 6 के पास कौन सी वैल्यू आपकी ज़्यादा पास आ रही है, वो हो रही है 9.2, या हाईएस्ट वैल्यू जो आ रही है वो 9.2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पी के टू प्लस पी के आर, एंड हम इसका एवरेज निकाल देंगे। तो अगर हम देखें 9.2 पी के टू प्लस ये क्या है 6.0, इनका एवरेज निकाल दिया तो एवरेज में कितना आ जाएगा, यहाँ आप प्लस करेंगे 2 एंड ये 15। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7.6। ठीक है, ये आपका 7.6 आंसर है। अभी आपके पास अगर ये वाली वैल्यू तो बहुत आपकी इजीली थी, आगे थी, अगर कुछ बड़ी वैल्यू पे क्वेश्चन आ जाता है तो आपके आंसर जो आंसर की आती है उसमें आपका ऐसे देंगे 7.5 to 7.7, ये आपका आंसर देंगे। अगर इसके बीच में या इन तीनों वैल्यू के बीच में अगर आपका ऑप्शन लाई करता है तो आपका आंसर सही मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये आपको लर्न करना है कि आपका जो पहला इंटीजर है वो आपका एग्जैक्ट क्या हो, सही हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवोल्यूशन पे बेस है। ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एक्सपीरियंस द लार्ज मास एक्सटेंशन, क्या बोला गया है, प्लेस्टोसीन एज में कौन सा ऐसा ग्रुप था जो लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन, जो लार्ज अमाउंट में क्या हो गया था, गायब हो गया था। तो आपको पता है कि लार्ज प्लेस्टोसीन एज में क्या हुआ था, बहुत लार्ज जो मैमल्स थे वो गायब हो गए थे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन बी मिल जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा इजी होते हैं, आप मतलब अगर आपको एक या दो आंसर भी आते हैं तो आप उसे एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर इन चारों को ऑप्शन को आप देखें तो सबसे इजी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एस एन आर एन एस या आर एन एस एच। ये दो ऑप्शन तो आपने अगर मॉलिकुलर पढ़ी है थोड़ी बहुत भी तो आपने ये पढ़ा ही होगा। एस एन आर एन एस कहाँ पे आपकी यूज होती है, स्प्लाइसिंग में यूज होता है। ठीक है, तो आर का अगर टू देख लें तो फर्स्ट और सेकंड में आर का टू है और यहाँ पे आर का वन है, तो ये आप पहले ही एलिमिनेट कर दीजिए। अब आपके पास केवल दो ही ऑप्शन ही बचे हैं देखने के लिए। अब क्या है, आपने आर एन एस एच देखा, आर एन एस एच का काम क्या होता है, जो डीएनए और आरएनए के हाइब्रिड बनते हैं उनके बॉन्ड, उनके बीच के जो बॉन्ड होता है उसको क्लीव कराने का। तो ये आपका हो गया फोर से कनेक्ट। अब देखिए क्यू को अगर आप फोर से कनेक्ट करते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, फर्स्ट वाला, आपका ऑप्शन यहीं पे सही हो जाता है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं। फिर भी अगर आपको आता है आगे वाले तो और भी अच्छी बात है, आप और भी कंफर्म हो सकते हैं। जैसे आरएनए पी का काम क्या होता है, आरएनए को क्लीव करना यानी राइबोसोम, तो पी का ये थर्ड आ गया। और ये सीएसटीएफ प्रोटीन किस लिए होता है, यूज होता है पॉलीएडेनिलेशन के लिए। तो क्या हो गया, एस का क्या आ गया, आपका वन आ गया। तो आपका ऑप्शन निकल आया फर्स्ट, सॉरी इधर वाला था, ये वाला नहीं, ये भी इसमें भी मौजूद है इसलिए हो गया। चलिए ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इन हिपेटोसाइट्स द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अकर्स इन, हिपेटोसाइट्स में जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है ड्रग्स का वो कहाँ होता है। ये भी एक जनरल क्वेश्चन है, ये आपने हमेशा से पढ़ा होगा, जब भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चन में बताया जाता है। गोल्गी एपरेटस का काम तो आपका प्रोटीन सॉर्टिंग या ट्रैफिकिंग का होता है। न्यूक्लियोलस का काम आपका क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एससीआर का काम क्या होता है, आपका डिटॉक्सिफिकेशन ड्रग का के यूज में ये होता है। तो हेपेटोसाइट्स में ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, आपका एसईआर या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर पीसीआर। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का वीडियो भी आपके एक चैनल में पढ़ा हुआ है, अगर आपको नहीं आती है तो आप उसे देख सकते हैं, बहुत ही सिंपली वो में समझाया गया है। आप तो 10-15 मिनट का वीडियो है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और वहीं से उतने से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे भी। तो आपको पता है, अगर जिसने जिसने भी पीसीआर पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसमें जो एंजाइम यूज किए जाते हैं वो हमेशा थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही हाई टेम्परेचर पे कराई जाती है। तो इसमें वो एंजाइम यूज किए जाते हैं जो आपके रिएक्शन को स्टेबलाइज कर पाए, किसमें, हाई टेम्परेचर पे भी क्या हो वो अपनी एक्टिविटी को शो कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं टैग पॉलीमरेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पीसीआर में। टैग का कहाँ से आपका बता सकते हैं, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, थर्मस एक्वेटिकस, एक बैक्टीरिया है वहां से इसको निकाला गया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, ये अब हम 90 डिग्री या 98 डिग्री सेल्सियस के भी काम कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टीलोमरेज हैज अ फंक्शन सिमिलर टू, तो
तो पहले आपको टेलोमेरेज एंजाइम पता होना चाहिए। टेलोमेरेज एंजाइम कहाँ यूज होता है? टेलोमेरेज एंजाइम यूज होता है जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकेरियोट्स। तो जो डीएनए की एंड होते हैं उनको क्या करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए हम टेलोमेरेज एंजाइम का यूज करते हैं। टेलोमेरेज एंजाइम के अंदर क्या होता है, आरएनए भी होता है प्लस प्रोटीन भी होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे जब डीएनए रेप्लिकेशन में वर्क करे तो ये आरएनए से क्या बनाता है, ये आरएनए से बनाता है डीएनए। तो अगर हम आरएनए से डीएनए बना रहे हैं तो इसका प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इस ये वर्क भी किस में करेगा, अगर यहाँ पे एंजाइम की बात करिए तो टेलोमेरेज लिखा है यहाँ पे, किस ऑप्शन देख लेते हैं, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये तो डीएनए रेप्लिकेशन या आप बोल सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज का काम हो गया। आरएनए पॉलीमरेज का काम है नहीं क्योंकि आरएनए को सिंथेसिस नहीं कर रहा है। डीएनए गायरस सुपर कॉलिंग को रिमूव करता है, ये यहाँ वो भी नहीं कर रहा है। तो इसका क्या काम कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसे, ये कैसे वर्क कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसे, क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को शो कर रहा है। सो ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो कौन से इनमें से जो प्रोसेसेस लिखे हैं वो एनर्जी रिक्वायरिंग है। पहला देखते हैं फैसिलेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन आपका वो प्रोसेस होता है जिसमें आपको किसी कैरियर या किसी चैनल की जरूरत पड़ती है डिफ्यूजन कराने के लिए। तो इसमें क्या होता है, केवल आपको चैनल या कैरियर की जरूरत होती है पर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये एटीपी रिक्वायरिंग प्रोसेस नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये अलोंग नहीं मूव करता, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। मतलब अगर आप किसी फ्लो के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो वहां पे आपको एनर्जी जरूरत होगी, ठीक है। तो या ये आपके एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। नॉन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, नॉन मेडिएटेड मतलब किसी भी मीडियम की इसको जरूरत नहीं पड़ रही, इसको हम सिंपल डिफ्यूजन भी कह सकते हैं, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में भी आपको पता है किसी की जरूरत नहीं होती है, आपको इजिली अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजें फ्लो होती हैं, तो इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो नहीं होती है। सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही एग्जाम्पल होता है, तो इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये भी कैसे मूव करता है, अगेंस्ट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। सो बी एंड डी बोथ आर अवर राइट आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। एंटीबी एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द सीरम ऑफ, अभी इन्होंने पूछा है जो एंटीबॉडी बी होती है वो कौन से ब्लड ग्रुप के सीरप में प्रेजेंट होती है। यहाँ आपको चारों तरह के ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं, तो हम पहले देख लेते हैं एक एक ब्लड ग्रुप के बारे में। देखिए अगर ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो उसके अंदर जो आपको ब्लड ग्रुप होता है उसी तरीके के एंटीजन भी होता है। तो आपके अंदर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो भी क्या होगा, ए होगा। एंड एंटीबॉडी हमेशा क्या होती है, अगेंस्ट, तो आपकी कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, बी, ओके। अगर यहीं पे बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो क्या होगा, एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा आपके अंदर, बी, ठीक है। सेम जिस जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। एंटीबॉडी कौन सी होगी, जस्ट अपोजिट, यानी कि एंटी ए। अगर ओ ब्लड ग्रुप की बात करें, ओ है मतलब यहाँ पे ओ का आप सिंपल से याद कर लीजिए, ओ मतलब जीरो, जीरो मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो एंटीजन यहाँ पे क्या होगा, नील, ठीक है। और एंटीबॉडी कौन सी होगी, दोनों, क्योंकि दोनों ही एंटीजन, कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है तो उसके अंदर एंटीबॉडी दोनों के लिए होगी, एंटी ए बी एंड एंटी बी बी, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ये किसी को भी ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट आता है ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होता है, अब ए और बी दोनों ही प्रेजेंट है तो क्या होगा, इसके अंदर एंटीजन ए भी प्रेजेंट होगा एंड एंटीजन बी प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी, यहाँ पे एंटीबॉडी कोई नहीं होगी क्योंकि दोनों के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है, तो एंटीबॉडी किसकी होगी, किसी की नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है। ये किसी से भी क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है, ठीक है। अब इस वाले जो पोर्शन है, इतने पोर्शन से ही आपके काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। एक चीज और आपको पता होना चाहिए कि एंटीजेंस जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी की सरफेस पे, ठीक है। और जो एंटीबॉडीज होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में, ओके। जो फ्लूड वाला पार्ट होता है आपके ब्लड का उसमें प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज। ये इतने पोर्शन से आपके ब्लड ग्रुप में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो वो भी ये बेसिक है, ठीक है। तो अब आपको कहाँ दिख रहा है, एंटी बी एंटीबॉडी, अगर आपने ये चारों ब्लड ग्रुप देख लिया तो आपको ये यहाँ ए ब्लड ग्रुप में दिख रही है, एक आपको क्या दिख रही है, ओ ब्लड ग्रुप में,
ठीक है, इसके अलावा आपको कहीं भी दिख रही है एंटी बी एंटीबॉडी? नहीं दिख रही है। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन, ब्लड ग्रुप ए एंड ब्लड ग्रुप ओ। सो ए एंड डी बोथ आर अवर राइट आंसर्स, बी में नहीं होती और ए में भी नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट आपके जो प्रोसेसेस होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, उसके ऊपर क्वेश्चन है। इनमें पूछा गया है करेक्टली पेयर्ड कौन से हैं। तो डीएनए ए क्या रेप्लिकेशन से पेयर करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन जो डीएनए ए है वो रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में, जब प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन होता है उसमें वर्क करता है। तो ये तो आपका करेक्टली पेयर्ड है। रिकॉम्बिनेशन रेक ए प्रोटीन क्या रिकॉम्बिनेशन में वर्क करता है? ये भी करता है, क्योंकि आपने अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो रेक ए प्रोटीन का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये भी सही है। रो फैक्टर जो होता है, क्या डीएनए रिपेयर के साथ उसका मैच होता है? क्या उसमें कुछ वर्क करता है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में? तो रो फैक्टर का वर्क तो आपके ट्रांसक्रिप्शन में होता है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या करता है ये? टर्मिनेट कराता है। ठीक है, जब टर्मिनेट होता है ट्रांसक्रिप्शन तब रो फैक्टर का वर्क होता है। ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में नहीं करता, तो ये तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। नेक्स्ट है सिग्मा फैक्टर, क्या ट्रांसक्रिप्शन में वर्क करता है? बिल्कुल, ये क्या काम कराता है? ये तो इनिशिएट कराता है, या ट्रांसक्रिप्शन की जो साइट होती है उसको बताता है। तो ये भी क्या है, करेक्टली पेयर्ड है। तो ये भी आपका एमएसक्यू की तरह ही क्वेश्चन था। एमएसक्यू में क्या होता है, आपको पूरी नॉलेज पूछ लेते हैं ये लोग कि आपके चारों ऑप्शंस की जो भी दिए हैं उसमें आपकी नॉलेज है कि नहीं। एमसीक्यू में होता है कि आपसे अगर आपको एक भी आता है तो भी आपको क्या होता है कि आप एक से ही निकाल सकते हो, पर आपको एमएसक्यू में क्या होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके, ए बी एंड डी आर आवर राइट आंसर्स। ओके, आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट है, आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे गेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि वीडियोज और भी आने वाले हैं। और आपको पता है कि इतनी जल्दी जल्दी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी ज्यादा ही करीब आ गया है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको पेपर में फायदा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर लीजिए, और जो दोस्तों के साथ अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।